बड़ी खबर आपको ये दे दें, वैभव कुमार से लगातार दिल्ली पुलिस की पूछताछ जारी है। इन सब के बीच उनकी ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई है, जिस पर आज ही सुनवाई होगी। बड़ी खबर, वैभव कुमार ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दी है। वैभव कुमार जिनको गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस ने, उनसे थाने में पूछताछ की जा रही है और आज ही इस अर्जी पर सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में उनकी ओर से याचिका दी गई है, जिनमें आज ही उनकी अर्जी पर सुनवाई होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार हैं, जिनको दिल्ली पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में वैभव कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तार होते ही सियासी तीर एक दूसरे पर बीजेपी आम आदमी पार्टी की ओर से चलाए जाने लगे। आप इसे बीजेपी की साजिश बता रही है तो बीजेपी कह रही है कि दिल्ली सीएम का आवास गुंडों का अड्डा बन गया है। इन सब के बीच वैभव कुमार ने अंतरिम जमानत की अर्जी दी है, जिस पर आज ही सुनवाई होगी। सीएम आवास से पुलिस ने वैभव कुमार की गिरफ्तारी की थी। स्वाति मालीवाल ने 164 के तहत बयान दर्ज कराया है, जिसमें वैभव कुमार के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वैभव कुमार की जो अग्रिम जमानत की अर्जी दी गई है, उस पर आज सुनवाई होगी। ऐसे में क्या उनको जमानत मिलती है, नहीं मिलती है, मुश्किलें बढ़ेंगी, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं स्वाति मालीवाल की ओर से, जिसकी जो सबसे पहले तस्वीरें सामने आई थी 13 मई का जो वीडियो सबसे पहले देश ने देखा, हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता, वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सृष्टि ओझा हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सृष्टि, सुनवाई कितने बजे होगी वैभव कुमार की अर्जी पर? कुछ ही समय में सुनवाई कोर्ट के सामने होने की उम्मीद है। वैभव कुमार ने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की है कोर्ट के सामने। उनके वकीलों का ये कहना है कि जो अरेस्ट है वो फॉर्मली अभी हुई नहीं है, इसीलिए वो कोर्ट के सामने ये आर्ग्यूमेंट अपना पेश करेंगे कि उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। एंटीसिपेटरी बेल तब फाइल करी जाती है जब अरेस्ट नहीं हुई होती है, और अरेस्ट के पहले ये आशंका होती है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कि उनकी उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, और एक प्रोटेक्शन के तौर पे अग्रिम जमानत मांगी जाती है। 30,000 कोर्ट में जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी की अदालत में ये जो सुनवाई है कुछ ही समय में होने वाली है, और तब हमें पता चलेगा कि क्या किसी भी तरीके का रिलीफ वैभव कुमार को कोर्ट से मिलता है या नहीं। बहुत शुक्रिया सृष्टि इस पूरी जानकारी के लिए। वैभव कुमार ने 30,000 कोर्ट में अर्जी दी है, आज इस पर सुनवाई होगी। क्या उनको राहत मिलती है या फिर आफत, यानी कि मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है।